राष्ट्रपति नूं सौंपिया अस्तीफा, सतारवीं लोकसभा भंग करन दी कीती सिफारिश। अगली सरकार दे गठन तक बने रहणगे कार्यकारी पीएम, 8 जून नूं सौं चुक सकदे ने मोदी। अज की सरकार बनाउण दा दावा पेश कर सकदा एनडीए, सहयोगी लीडरां दे नाल राष्ट्रपति नूं मिल सकदे ने मोदी। शाम 4 बजे होने वाली मीटिंग दे विच शामिल होने दे लई दिल्ली पहुंच चुके ने नायडू ते नीतीश। इंडिया गठजोड़ दे विच भी हलचल तेज, बैठक च शामिल होने लई दिल्ली पहुंच रहे अलायंस पार्टनर तेजस्वी यादव बोले, असी सरकार बनाउण दी कर रहे हां कोशिश। डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद अमृतपाल नूं मिली पत्नी किरणदीप कौर, लोकसभा सीट जितने तों बाद कीती मुलाकात, 2 लाख वोटां दे फर्क दे नाल जीते ने अमृतपाल। दिल्ली दे विच लाजपत नगर दे हस्पताल च लगी भयानक अग, फिलहाल जानी नुकसान दी नहीं कोई खबर, मौके ते फायर ब्रिगेड दीआं 16 गड्डियां मौजूद। पंजाब हरियाणा बनिया 24 दे इलेक्शन दा चैंपियन, बहुत बड़ी खबर आ रही है सीट नूं लेके। नतीजे वाले दिन पंजाब हरियाणा ने वेख्या सिर्फ न्यूज़ 18 करके 13 सीटें नजर आ रहे हैं एनडीए दे। चंडीगढ़ दा मनीष तिवारी अगे दी उत्ते की कुछ अपडेट है उस दा रिकॉर्ड डिजिटल ते सब तों ज्यादा वेख्या गया न्यूज़ 18। 1,52,000 वोटां दे नाल सिर्फ न्यूज़ 18 ही दर्शकां नूं आया राज, पंजाब हरियाणा दे विच कोई भी नहीं सी नेड़े तेड़े। सत श्री अकाल, इस समय के बुलेटिन च स्वागत है, मैं तुहाड़े नाल गुरजोत संधु। शुरुआत करदे हां बुलेटिन दी। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति नूं अस्तीफा सौंप दिता है, प्रधानमंत्री अहुदे तों अस्तीफा सौंप दिता है। दस्सिए कि 17वीं लोकसभा भंग करन दी सिफारिश कर दित्ती गई है, तां नवीं सरकार दे गठन तक कार्यकारी पीएम बने रहणगे नरेंद्र मोदी, तां 8 जून नूं पीएम दे वजों सौं चुक सकदे ने। हालांकि इक वड्डा असीं कह सकदे हां कि अजे भी किते ना किते इह 2-3 दिन बेहद ही ज्यादा अहम ने, खास तौर पर क्योंकि जिस तरीके के नंबर गेम नजर आ रहे हैं, कुल मिला के जिस तरीके का आंकड़ा जिहड़ा है उदेश ने दिता, और 234 सीटा इंडिया गठजोड़ के खाते के चलिया गई ने, जिस तों बाद लगातार इंडिया गठजोड़ भी दावा कर रहा है कि वह भी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरे पासे एनडीए दे वल्लों भी जिहड़ा है वह नंबर नूं लैके साफ कह दिता गया है कि सरकार तो उन्हां दी ही बने। तो उस वेले दी तस्वीर है जो राष्ट्रपति नूं अस्तीफा सौंपिया गया है और 17वीं लोकसभा भंग करन दी सिफारिश की गई है। तो एक काफिला जदों आंदा होया वापस नजर आया, उस वेले दीआं तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। तो नवीं सरकार दे गठन तक कार्यकारी पीएम बने रहणगे मोदी, और 8 जून नूं पीएम दे वजों सहुं चुक सकदे। एनडीए नूं दस दईए कि 292 सीटां मिलियां ने, बीजेपी नूं इकल्ले तौर पर 240 सीटां दा अंकड़ा हासिल होया है, और टीडीपी नूं उत्थे ही 16 सीटां मिलियां ने। चंद्रबाबू नायडू दी इह पार्टी है, तो जेडीयू नूं नीतीश कुमार नूं 12 सीटां मिलियां ने, जेडीएस पार्टी नूं 2 मिलियां ने, और एलजेपीआरवी नूं 5 सीटां मिलियां ने, तो एचएसएस नूं 7 सीटां मिलियां ने, तो बाकी सहयोगी जिहड़े ने उह 10 सीटां दे नाल कुल जिहड़ा आंकड़ा है इत्थे एनडीए दा 292 बंदा होया नजर आ रहा है। उत्थे ही दूसरे पासे इंडिया गठजोड़ नूं 234 सीटां मिलियां ने। तो पंकज कपाकी ने मेरे सहयोगी फोन लाइन ते, पंकज अस्तीफा सौंप दिता गया है नरेंद्र मोदी और वालों, और फिलहाल तो कार्यकारी पीएम बने रहेंगे, 8 तरीक नूं सौ चुकनी है, पर असी कह सकते हैं कि जिहड़े विचकारले घंटे ने यह सियासत इस दे विच बेहद ज्यादा चरम ते होएगी और कुछ भी हो सकता है, असी ये कह सकते हैं। देखो इस दे विच जिहड़ियां छोटियां पार्टियां ने जिवें 12 सीटां ने नीतीश कुमार दे कोल जां नायडू होरां दे कोल जिहड़ियां सीटां ने, वो वड्डी बार्गेनिंग करन दी कोशिश हुंदी है, वो तस्वीर देखण नूं मिली है। हालांकि एनडीए दे कोल वो नंबर जिहड़े ने वो है इस वेले एनडीए कोल नंबर जिहड़े इस वेले इंडिया अलायंस नूं नंबर चाहीदे ने वो थोड़े नंबर ने, हालांकि वो भी जमा घटा इस वेले करन दे विच लगा होया, लेकिन दूजे पासे प्रधानमंत्री दा अस्तीफा जिहड़ा है वो दे दित्ता है नरेंद्र मोदी ने, और 8 तरीक नूं दोबारा वो जिहड़ी है प्रधानमंत्री दे तौर ते लैण जा रहे ने, और इस तों पहलां 7 तरीक नूं जिहड़ी एनडीए दी तमाम सहयोगी पार्टियां ने बीजेपी दीआं उन्हां दी इक बैठक जिहड़ी है वो सद्दी गई है। किन्ने क असीं कह सकदे हां चांस लगदे ने कि किसे तरीके दा कोई बहुत वड्डा सानूं बदलाव वेखण नूं मिल सकदा है, क्योंकि नंबर जिस तरीके नाल तुसीं भी जिक्र कर रहे हो पूरे ने, और 272 चाहीदे ने सरकार बनाउण नूं,
और जदों ये भी चर्चावां हो रही हो चंद्र बाबू नायडू जिहड़े ने उन्होंने वालों पांच मंत्री पद जिहड़े ने मंगे जा रहे हैं, इस किस्म दीआं उन्हां दीआं डिमांड्स ने और यह भी चर्चा हो रही है कि उन्होंने वालों स्पीकर अहुदे की भी मंग रखी जा रही है। देखो ये सारिया बार्गनिंग जड़िया ने चलन गिया हूँ अगले 48 घंटे, क्योंकि यह मौका होंगे जो थोड़े को एको पार्टी के कोल बहुमत का अंकड़ा ना हो बार्गनिंग की जाए जमा घटा जोड़े ने किए जा हूँ। बीजेपी ने देखने ने कि जेकर नीतीश कुमार या नायडू शर्तां नहीं मनिया जांदियां तो दूजे पास जाते हैं तो उन्होंने कोल किन्ने नंबर ने किनिया 272 किवें पार करनगे उस गल नूं देखणगे। दूजा भी है कि पार्टी किसी भी तरीके नाल सरकार बनाने कोई अड़चन ना आए तो हो सकता है कि कुछ मंगा मान लीतिया जा कुछ मंगा जड़िया ने उसनों टाल दिता जाए, इस तरीके की भी गलबात जी है वो हो सकती है। दूजे पास अज शाम 6 बजे जी इंडिया अलायंस की मीटिंग होनी है वो किस तरीके कि वो विरोधी धिर के मजबूती बहना चाहते हैं या फिर वो सरकार के जमा घटा शुरू कर दिते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में समय ना हो तो तेजस्वी यादव ना आते हैं और कितना कितने वो सरकार बनाने वाले पास चलते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की बाकी पार्टियां इस नाल करदियां ने, क्योंकि जिहड़ा इंडिया दे कोल नंबर है वो टीएमसी दे नंबर मिला के ये नंबर जिहड़े ने 234-236 तक पहुंचदे ने। टीएमसी हालांकि वक्रे इलेक्शन जिहड़ी है वो अपने पद्धर से लड़ी सी तो यह सारे जमा घटा जिहड़े ने वो दोवें ही इंडिया अलायंस से एनडीए अलायंस नूं देख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी ली। पर इतने जिक्र योग भी है कि नीतीश कुमार का इतिहास उन्होंने बोलता है कि हमेशा एक तो उन्होंने समझना बड़ा ही ज्यादा मुश्किल होंगे कि कितने जोड़ा है उन्होंने वालों की फैसला लिया जा सकता, और दूसरा पलटीबाज जो जरूर कहा जाता है कि मौका देख के चौका मारन वाले ने नीतीश कुमार। हालांकि हूँ उन्होंने जरूर कहा कि सरकार तो बनेगी, पर उन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि एनडीए की या इंडिया गठजोड़। थोड़ी देर दे एनडीए की मीटिंग होएगी, वड्डी खबर है एनडीए के सहयोगी दलों के लीडर जिहड़े ने वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, किंग मेकर नीतीश कुमार ते चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके ने। साडा समर्थन एनडीए नूं है, नायडू दे वल्लों साफ कर दिता गया है, उन्होंने कहा कि असीं तीजी बार किंग मेकर बणांगे। 16 सीटां दा जिक्र टीडीपी नूं आईआं ने, तो सरकार तो हुण उन्होंने कहा कि बनेगी। नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार तो हुण बनेगी ही और अज ही सरकार बनाउण दा दावा पेश कर सकता है एनडीए। तो मीटिंग तो बाद राष्ट्रपति नूं दस दिए कि मिल सकते हैं एनडीए नेता, हालांकि राष्ट्रपति ने इस्तीफा सौंप चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी और उस तो बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री जरूर ने, पर दोबारा सौ चुकनी होगी 8 जून में, यह कहा जा रहा है चुकन के सौ पर उस तो पहला एनडीए की बड़ी बैठक और नीतीश से नायडू के नाल राष्ट्रपति को मिल सकते हैं मोदी, पर उस तो पहला जिहड़ियां चर्चावां हो रही ने कि जो शर्तां रखियां जा रही ने भावें वह नायडू होण और नीतीश कुमार दी भी सुभाविक तौर पर 12 सीटां के नाल उस हिसाब के नाल अपनी शर्तां रखणगे, और जिस तरीके का जोड़ तोड़ हो रहा है जो दावा इंडिया गठजोड़ की कर रहा है कि साड़ी सरकार बनेगी तो पॉसिबिलिटी कुछ भी है, पर जिस तरीके दे नाल फिलहाल गेम नजर आ रही है तो एनडीए दे अंडर कंट्रोल है। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है जिसमें सभी घटक दलों के नेताओं को बुलाया है, नीतीश कुमार जी भी उसमें शामिल हो रहे हैं, और जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है। एनडीए से मंत्रिमंडल बगैर अनकंडीशनल हमारी सपोर्ट है, अलबत्ता इच्छा जरूर है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले जो बिहार की जनता के हित में है, विशेष राज्य के दर्जे के बगैर बिहार का विकास असंभव। गठबंधन के मामले में जो है मजबूती के साथ गठबंधन के साथियों को विश्वास में लेकर के सरकार चलाने के मामले में साथ लेकर के चलने के मामले में नरेंद्र मोदी जी आगे पर के खड़े हैं। अगर इतनी सीटें अगर कहीं गलती से कांग्रेस पार्टी को होती तो अपने साथियों को चिमटे से भी नहीं छूती, और अभी भी उनको जितनी सीटें मिली हैं उसके बाद जो है उनका अहंकार जो है वो आसमान पर है। ये बात अलग है कि कांग्रेस जो है वो वेंटिलेटर पर हो लेकिन उसका अहंकार एक्सीलेटर पर दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई, हम अब सरकार, जनता ने जनादेश दे दिया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और
उसके साथ ही साथ हम सबको लेकर के सबके साथ संपर्क के साथ, संवाद के साथ, समन्वय के साथ हम सरकार के जो सुशासन के सफर को आगे बढ़ाएंगे, जो सुधार से जुड़े हुए मुद्दे हैं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, उसमें सबका सहयोग लेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी हमेशा करते रहे हैं, हमेशा करेंगे, तो इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है, जो अभी सो कॉल्ड आप गठबंधन कह रहे हैं, इसमें जो है वो ख़ानदान तो अनेक हैं लेकिन ख्वाहिशें एक हैं, और इसमें ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो इनके अरमान तो इतने हैं कि पता नहीं कितने कम निकले, तो इसलिए जो है वो इन ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं है। अगे बढ़ा तो इंडिया गठजोड़ के भी हलचल तेज हो गई है। इंडिया गठजोड़ के लीडर दिल्ली पहुंचे ने, अज शाम दस दिए कि इंडिया गठजोड़ की बैठक होनी है। शिवसेना उद्धव के लीडर संजय राउत का वड्डा बयान सामने आया है कि बीजेपी के कोल बहुमत नहीं है। संजय राउत ये कह रहे हैं तो वही खबर है, मोदी अस्थिर सरकार देना चाहते हैं संजय राउत का यह कहना है। तो नीतीश और नायडू तो सब तो सब दे ही दोस्त ने। संजय राउत ने कहा है कि असी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देश के तेजस्वी यादव ने कहा कि असं सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे पास उन्होंने कहा कि देश में मोदी फैक्टर खत्म होया है। तो ये सारे इंडिया अलायंस के पार्टनर ने जिन्हों के बड़े बयान आ रहे हैं। हालांकि दूजे पास बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का इस वे जो है पूरा हंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। तो लोकसभा चोणों च इंडिया गठजोड़ ने दस दिए कि 234 सीटा कुल जीतिया ने, जिसनों लैके वक्ख वक्ख बयान आ रहे हैं। संजय राउत का बयान आया है, तेजस्वी यादव का बयान। मैं इतना ही मानता हूँ, मोदी जी के पास बहुमत नहीं है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। अब यहाँ वहाँ से जमा करके वो बहुमत जुटाना चाहते हैं, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट देना चाहते हैं। इस प्रकार की सरकार चलाना ये मोदी जी का काम नहीं है। मोदी तो अपने रुबाब में रहते थे ना, मैं मोदी, मोदी की सरकार, हाँ मोदी की गारंटी, सब कुछ मोदी। अभी पैसा के लेकर चलना पड़ेगा, ये नहीं होगा। अगर सरकार बनाने की कोशिश ये लोगों ने की तो ये सरकार टिकने वाली है। हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का। अब नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना, वो तो सभी के दोस्त है। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे, उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था, और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेके यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रेस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको, उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। मेरा देश महान है और देश की जनता ने मोदी जी को हराया है, तो हम उनको, देशवासियों को धन्यवाद देते हैं। और तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है, तो हमको लगता है कि अभी जनता जो है मालिक है। और हम लोगों को अब जो बैठक है शाम में, उसके बाद देखते हैं क्या निर्णय होता है। जनता इनसे नाराज थी, आपको लगता है कहीं ना कहीं जनता इनसे नाराज थी? एकदम नाराजगी, नाराजगी बहुत रही है, जिस हिसाब से तानाशाही चली है, नफरत की राजनीति, मुसलमान भाइयों के प्रति इन्होंने घृणा फैलाने का काम किया। जैसे कि सीटों कम आई होंगी सर। लोकसभा चोणों की हलचल के विचारे दिलचस्प सियासी तस्वीर भी सामने आई है, जिसने सियासी फिजावान के विच कई तरह की चर्चा को छेड़ दिता है। तो नीतीश कुमार जिस प्लेन के विच पटना तो दिल्ली आए, उसी प्लेन के विच उन्होंने पिछे तेजस्वी यादव भी बैठे हुए नजर आए। नीतीश NDA का हिस्सा ने, जदों की तेजस्वी इंडिया अलायंस का हिस्सा ने। तो जिहड़ी वीडियो पहला आई थी उस दे विच तेजस्वी पिछली सीट पर बैठे नजर आ रहे थे, जिहड़ी तस्वीर
बाद दे विच सामने आई है, उस दे विच तेजस्वी यादव नीतीश कुमार दी नाल वाली सीट ते बैठे हुए नजर आ रहे ने। तुहानू तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं, एक पहली तस्वीर दिखा रहे हैं और एक दूजी तस्वीर। तां पहली तस्वीर तुहानू दिखाई कि किस तरीके दे नाल अगली सीट ते पहला जिहड़ा है वह बैठे हुए ने नीतीश कुमार, और पिछली सीट ते दूजी तस्वीर च तुसीं देख रहे हो पिछली सीट ते तेजस्वी यादव बैठे हुए ने, पर पहली तस्वीर जिहड़ी है वह तुहानू दिखा रहे हैं जिसके मुढ़ली सीट ते दोवें आगू बैठे हुए ने। सुभाविक तौर पर इस वीडियो नू, इस तस्वीर नू वायरल किया गया है, किसी के पासों तो जरूर ये जी वीडियो है उसनू जनतक किया गया, जिस तो बाद चर्चा छिड़ गई है और नीतीश कुमार का जिक्र हो रहा है और हुण भी कह रहे ने सन आगू कि नीतीश कुमार तो सब दे ने, क्योंकि उन्होंने भी ये नारा जिहड़ा है वह दिता सी नीतीश सबके हैं। और इस तरीके दे नाल उन्होंने जी है पिछले समय च पलटी भी मारी, पहला RJD दे नाल सन तां BJP दे विच आ गए बाद दे विच, और हुण भी बेहद चर्चावां हो रही ने क्योंकि अजे सरकार बननी देश दे विच बाकी है। जिस तरीके की नंबर गेम नजर आ रही है उसनू लैके तस्वीर अपने आप दे विच बहुत अहमियत रख। नीतीश सबके हैं और सब नीतीश के हैं, इस किस्म के नाल नारा दिता गया सी, और उस तो बाद हुण तस्वीर अपने आप दे विच बेहद अहम ने। और एक हैरानीजनक यह भी है, सस्पेंस इस दे विच भी नज़र आ रहा है कि जदों बैठन लगे ने दोवें आगू एक प्लेन दे विच, जदों क्योंकि जिहड़ी सीट अलॉट है तो सुभाविक तौर पर एक ही होंदी है, तो इस दे विच अगले वाले पासे नीतीश कुमार बैठे हुए ने और पिछे बैठते हुए नज़र आ रहे हैं तेजस्वी यादव। पर दूजी सीट दूजी तस्वीर का जिक्र किया जाए उस दे विच जिहड़ी पिछले वाले पासे तो ये तस्वीर खिंची हुई है, एक फोटो है, ये वीडियो नहीं है, इस दे विच दोवें आगू अगलियां सीटां ते बैठे हुए ने। तां सुभाविक तौर पर हर एक दे दिमाग दे विच सवाल यही आउंदा होएगा कि आखिरकार इस नूं जनता कीता गया तां इस दे पिछे कारण की। बहुमत मिलिया इस विचाले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली दे विच BJP हेडक्वार्टर पहुंचे, जिथे कि उन्होंने वालों देशवासियों को संबोधन किया गया। प्रधानमंत्री ने यह भी वड्डा बयान दिता है कि तीजी टर्म दे विच देश वड्डे फैसले लवेगा, तो नाल उन्होंने यह भी कहा कि 1962 तो बाद पहली बार अजिहा हो रहा है कि तीजी बार सरकार जी रिपीट कर रही है, NDA लगातार तीजी बार बहुमत मिले, तो तीजी बार बहुमत मिलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वड्डा बयान सामने आता, कहना कि 1962 तो बाद पहली बार कोई सरकार तीजी बार आई है, तो तीजी टर्म के देश वड्डे फैसले लवेगा, यह भी वड्डा बयान दिता है। वड्डे फैसले मोदी की गरंटी है, प्रधानमंत्री ने कहा कि वड्डे फैसले मोदी की गरंटी है, NDA लगातार तीजी बार बहुमत मिले। जेकर ताज़ा अंकड़ों की गल की जाए तो NDA के खाते 292 सीटा जाती हुई नज़र आ रही ने, दूजे पास इंडिया गठजोड़ की गल करिए 233 सीटा जीडिया कि इंडिया गठजोड़ के खाते के नज़र आ रही ने। जिमें नतीजों का ऐलान होया उस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह दिल्ली के BJP हैडक्वार्टर पहुंचे, जिथे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वलों देशवासियों को संबोधन करते हुए धन्यवाद किया गया। आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन NDA की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के
बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। चौथे लोकसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान होंदया ही कांग्रेस पार्टी के वालों बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जिहड़े कि कांग्रेस के कौमी प्रधान, इस तों इलावा राहुल गांधी ते सोनिया गांधी प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दे लई पहुंचे। इस दौरान देश की जनता का, वोटरां का जिहड़ा कि कांग्रेस पार्टी के वालों धन्नवाद किया गया। उन्होंने कहा कि कल साढ़े इंडिया गठजोड़ की मीटिंग होगी, तो मीटिंग के मिल के अगला फैसला लिया जाएगा। ये राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यह वड्डा बयान दिता है, अज दस दिता है देश की जनता ने सीधे तौर पर कि प्रधानमंत्री ते निशाना साधते हुए जिहड़े कि खड़गे राहुल गांधी नज़र आए। तो नाल ये भी वड्डा बयान दिता गया कि कल नूं जिहड़ी कि इंडिया गठजोड़ की बैठक होगी, तो उसकी बैठक के विच ही अगली रणनीति आखिरकार इंडिया गठजोड़ की की रहनी।